सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं केपी संत आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, तो आप सभी ने कल की वीडियो में देखा था मोदीनगर नॉर्थ और मोदीनगर साउथ का स्टेशन के क्या क्या कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। आज की वीडियो में आप सभी को देखने के लिए मिलेगा दोस्तों कि इस लाइन पर अब ये मुरादनगर के लिए हम चल रहे हैं मोदीनगर साउथ के स्टेशन से और मुरादनगर के बीच में दिखाएंगे आप सभी को कि कितना बायोडेक्ट कंप्लीट हो चुका है, जोड़ दिया है लॉन्चर ने या नहीं जोड़ दिया है, वो सब कुछ आप सभी को इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं और दिखाने वाला हूं। तो बने रहिए केपी संत के साथ में ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए दोस्तों। और आप सभी ने चैनल को लाइक शेयर कमेंट नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, नीचे है रेड कलर का बटन, उसे प्रेस कर दो, तुरंत बेल आइकन बजा दो, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही पर डे वीडियोस देखते रहो केपी संत के चैनल पर दोस्तों। तो आप लोगों को बता दूं, देखो ये बायोडक्ट बिल्कुल क्लियर कर चुका है, जोड़ दिया जा चुका है और अब इस पर ट्रैक स्लैब डाले जा रहे हैं। ट्रैक स्लैब बिछाने के बाद में फिर इस पर ट्रैक बिछाया जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी के खंभे लगाए जाने दोस्तों। उससे पहले आप लोग ये देख लो कि देखो यहाँ पर ये थोड़ा सा बायोडक्ट बचा हुआ है कनेक्ट करने के लिए दोस्तों, ये देख सकते हो, ये भी 2-3 दिन में जोड़ दिया जाएगा दोस्तों। और जोड़ जाने के बाद में फिर आपको पता ही है दोस्तों कि ये सेफ्टी बोर्ड हटा के और इस पे बीच का डिवाइडर बनाया जा रहा है, ये बना भी दिया जा चुका है और देखो इसको अब हटाने का काम चल रहा है। और ऊपर इलेक्ट्रिसिटी के खंभे भी लगाए जाने दोस्तों, पैराफिट वॉल तो लग चुके हैं पूरे में ही दोस्तों और अभी आगे चल रहे हैं, वो भी आप लोगों को दिखाएंगे कि आगे बायोडक्ट जुड़ चुका है वहाँ कोने वाला या नहीं जुड़ा है अभी तक, तो वो भी आप सभी को देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। बने रहो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए दोस्तों। और जो योजना है दोस्तों आपको पता ही है, तो देख सकते हो आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं हम। अभी इसमें देखो बीच का डिवाइडर भी बनाया जा रहा है और ये देख सकते हो ये यहाँ पर भी अभी बचा हुआ है थोड़ा सा बायोडक्ट, एक पिलर है बस बीच में, ये भी जोड़ दिया जाएगा बहुत ही जल्दी दोस्तों। तो एक हफ्ते के भीतर ये भी जोड़ दिया जाएगा। उसके बाद में ये बिल्कुल लाइन क्लियर हो जाएगी दोस्तों। बायोडक्ट देख सकते हो ये सेगमेंट रखे हुए हैं और किस तरीके से ये क्रेन मशीन उठाती है, ऊपर का लॉन्चर उठाता है, वो आप लोग देख सकते हो अपनी तस्वीरें। तो आप लोगों को बता दूं दोस्तों, देखो यहाँ तक ये इलेक्ट्रिसिटी के खंभे लगा दिए जा चुके हैं, देख सकते हो यहाँ तक। आपको बता दूं दोस्तों ट्रैक स्लैब भी पड़ चुके हैं, ट्रैक भी बिछा दिया जा चुका है, इस पर इलेक्ट्रिसिटी के खंभे भी लग चुके हैं। अब OHE वायर इस पर डाली जाएगी दोस्तों, वो भी डाली भी जा रही है। तो आगे जैसे ही मुरादनगर के साइड में हम चल ही रहे हैं भी और आगे आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि OHE वायर भी इस पर अब लगाने का काम चल रहा है दोस्तों। और ये सेफ्टी बोर्ड हटाते चले जाएंगे क्योंकि इसमें बीच का डिवाइडर बनाते हुए जाएंगे तेज़ी के साथ में दोस्तों। तो आप लोग बताओ कि आप सभी को ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं केपी संत के चैनल पर दोस्तों। अच्छे लग रहे हो तो हमें नीचे लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन, उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियोस पर डे देखते रहो केपी संत के चैनल पर दोस्तों। केपी संत लाता रहता है, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है मेरे प्यारे दोस्तों। ये आपको बता दूं कि हमारे दिल्ली के निजामुद्दीन यानी कि सरायकाले खां से स्टार्ट होती है और ये मेरठ के मोदीपुरम में जाके एंड होती है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में। ये 82 किलोमीटर का रूट है और 82 किलोमीटर में दोस्तों 12 किलोमीटर का जो पार्ट है वो दोस्तों अंडरग्राउंड है यानी कि ज़मीन के अंदर है, 6 किलोमीटर का पार्ट मेरठ के अंदर है और 6 किलोमीटर का पार्ट दिल्ली के अंदर है यानी कि सरायकाले खां में है दोस्तों। और ये 70 किलोमीटर का पार्ट दोस्तों एलिवेटेड है पूरा। तो आप लोगों को दिखाने की और मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देख सकते हो यहाँ पर ये बीच के डिवाइडर के लिए ये सारे पार्ट्स आ चुके हैं, अब इससे जोड़ते जा रहे हैं और फिर इसको सेफ्टी बोर्ड हटाते हुए चले जा रहे हैं दोस्तों। तो चलते हैं और आगे आपको दिखाते हैं चल के मुरादनगर का स्टेशन दोस्तों के मुरादनगर के स्टेशन पर क्या काम चल रहा है और कैनाल पे क्या काम चल रहा है, तो वो सब कुछ आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। तो वीडियो को एंजॉय करो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों, मिलते हैं आपसे लास्ट में। यहाँ से आप सभी को डबल पिलर देखने के लिए मिलेगी क्योंकि आगे कैनाल आने वाली है। तो ब्रिज आ रहा था बीच में, इस वजह से ये राइट में थोड़ा सा कर्व ले लेती है। दोस्तों देख सकते हो, सारे में ही आपको बता दूं कि ये इलेक्ट्रिसिटी के खंभे लग चुके हैं दोस्तों। अब इस पर ट्रैक स्लैब बिछाए जा रहे हैं, ट्रैक भी बिछा दिया जा चुका है। इस पर ओवरहेड वायरिंग का काम किया जाना दोस्तों। ओवरहेड पहले ओवरहेड इक्विपमेंट लगाए जाएंगे, फिर उसके बाद में वायरिंग लगाई जाएगी। दोस्तों ये है कैनाल, देख सकते हो आप लोग तस्वीरें, और ये कैनाल को क्रॉस करते हुए फिर ये बीच में ही आ जाएगी दोस्तों। तस्वीरें देख सकते हो, देखो ये ऊपर बिछाए जा रहे हैं, नहीं बिछाए जा रहे ट्रैक स्लैब। तो यही नज़ारे हैं दोस्तों, आप लोग एंजॉय करो। दोस्तों ये आ चुका है, देख सकते हो, मुरादनगर का RRTS का स्टेशन, जिस पर फ्लोरिंग का काम कर लिया जा चुका है। और ये कौन कौन से लेवल पे दीवारें भी ये देखो बन चुकी हैं, और दोनों साइड में एंट्री एग्जिट पॉइंट बनाने का वर्क चल रहा है तेजी के साथ में दोस्तों। वो सब आप सभी को आगे देखने के लिए मिलेगा। तो देख सकते हो यहाँ पर ये एंट्री एग्जिट पॉइंट बनाया जा रहा है, जिसके पिलर को खड़ा किया जा रहा है दोस्तों। तस्वीरें देख सकते हो। और ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो, ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। चलिए मिलते हैं आप सब सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।